हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आप सबको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है और इसमें पहला क्वेश्चन है कथन और कारण से है। कुछ विद्वानों का कहना है कि जिन देशों में हाल ही में समाजशास्त्र विषय का प्रारंभ किया गया है वहां विषय का देशीकरण करने की आवश्यकता है। कारण दिया गया, यह देशी विद्वता के विकास में सहायक हो सकता है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान करेगा। ए गलत है परंतु आर सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। कुछ विद्वानों का कहना है कि जिन देशों में हाल ही में समाजशास्त्र विषय का प्रारंभ किया गया वहां विषय का देशीकरण करने की आवश्यकता है क्योंकि यह देशी विद्वता के विकास में सहायक हो सकता है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान करेगा। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति ने पंचायती राज के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, संगमा समिति, संसदीय समिति। राइट आंसर बताइए। किस समिति ने पंचायती राज के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरीय उन्मुखी विकास कार्यक्रमों ने नगरीय केंद्रित रोजगार सृजित हुए हैं जिसका परिणाम निम्नलिखित हुआ है। ग्रामीण से ग्रामीण प्रवसन, ग्रामीण से नगरीय प्रवसन, ग्रामीण से नगरीय प्रवसन, नगरीय से ग्रामीण प्रवसन, नगरीय से नगरीय प्रवसन। राइट आंसर बताइए। ग्रामीण उन्मुखी विकास कार्यक्रमों ने नगरीय केंद्रित रोजगार सृजित हुए हैं जिसका परिणाम यह हुआ कि है कि ग्रामीण से नगरीय प्रवसन हुआ है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल एल थ्यूजर द्वारा उल्लिखित निम्नलिखित में से किन सेटों में संरचनात्मक स्तर शामिल है। आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक। एक दो तीन, एक दो चार, दो तीन चार, एक तीन चार। राइट आंसर बताइए क्या होगा। एल एल थ्यूजर के द्वारा तो इसमें राइट आंसर होगा आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक। एक दो चार ऑप्शन इसमें सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन गौड़ परिप्रेक्ष्य की सही पहचान करता है। एलीट के दृष्टिकोण से समाज अध्ययन का एक उपागम, विकसित देशों के समाज में परिवर्तन का वर्णन, आम आदमी का इतिहास समाज के आधारित स्तर पर जन समुदाय के बीच क्या होता है उस पर ज़्यादा केंद्रित है। उत्तर आधुनिक समाजों के अध्ययन का एक उपागम। राइट आंसर क्या होगा। कौन सा विकथन गौड़ परिप्रेक्ष्य की सही पहचान करता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, आम आदमी का इतिहास समाज के आधारित स्तर पर जन समुदाय के बीच क्या होता है उस पर ज़्यादा केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें लिंगों के बीच जैविक भिन्नता की व्याख्या की जाती है। महिलाओं के मध्य राजनीतिक तथा आर्थिक भिन्नताओं की
विभिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। श्वेत और अश्वेत महिलाओं के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। राइट आंसर क्या होगा? लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें क्या शामिल है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मानव विकास संदर्भ आर्थिक वृद्धि को निम्नलिखित में से किस रूप में मानता है? स्वयं में एक साथ आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने का साधन, जनसंख्या के बड़े भाग के लिए शिक्षा स्वास्थ्य तथा रोजगार को सुनिश्चित करने का साधन, बहुराष्ट्रीय निगम निकायों में मानव संबंध के प्रबंधन का साधन। राइट आंसर क्या होगा? विकास का मानव विकास संदर्श आर्थिक वृद्धि को किस रूप में मानता है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 3, जनसंख्या के बड़े भाग के लिए शिक्षा स्वास्थ्य तथा रोजगार को सुनिश्चित करने का साधन। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह टिप्पणी किसने की है कि ज्ञान और शक्ति का सह अस्तित्व है और यह आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं? डेरिडा, गिडिंग्स, हैबरमार्श, फूको। राइट आंसर क्या होगा? ज्ञान और शक्ति का सह अस्तित्व है और यह आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, मिशेल फूको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है, अर्थात उसका जन्म भारत में हुआ हो। वह व्यक्ति भारतीय समाज और संस्कृत का अविवेचित प्रशंसक हो, संस्कृतज्ञ हो, भारतीय परंपराओं और संस्कृत से परिचित हो। राइट आंसर क्या होगा? डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, भारतीय परंपराओं और संस्कृत से परिचित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम 1948, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923। 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 3। राइट आंसर क्या होगा? प्रसूत प्रसुविधा अधिनियम ये 1961, औद्योगिक विवाद अधिनियम ये 1947 है, कारखाना अधिनियम इसका 1948 है और कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट आंसर है 1, 2, 3, 4। ये चारों अधिनियम जो हैं ये मैच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, क्लीन आर्ट सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर, क्लोवाड और ओलियन, डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी, कोहेन। डेलिक्वेंट बॉयज ये ऑप्शन 3 का होगा, डेलिक्वेंट बॉयज, कोहेन और जे बाउल भी फोर्टी फोर जुवेनाइल थीफ्स। राइट आंसर बताइए। 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 3, 4। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर भी ये चारों मैच हैं,
क्लिनार्ड का है सोशियोलॉजी ऑफ डेवियंट बिहेवियर, क्लोवार्ड और होलिन का है डेलिक्वेंसिया एंड अपॉर्चुनिटी, कोहेन का है डेलिक्वेंट बॉयज, और जे बाउल बी का है 44 जुवेनाइल थीव्स। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने निजात केंद्रितता की संकल्पना का प्रतिपादन किया? समनर, अडोर्नो, मैक्स वेबर, इमैनुअल वालरस्टीन। किसने निजात केंद्रितता की संकल्पना का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा डब्ल्यू जी समनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोधित जन्म दर का नामकरण इस कारणवश हुआ है क्योंकि इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है जनांकिकीय संक्रमण का, मृत्यु दर का, जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? अशोधित जन्म दर का नामकरण इस कारणवश हुआ है क्योंकि इसमें ध्यान नहीं दिया जाता। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल फूको की प्रविधि के मूल में निम्नलिखित में से कौन सा विचार है? जीनोलॉजी ऑफ पावर, माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, पावर एट द सोसाइटल लेवल। एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, दो और चार। राइट आंसर क्या होगा? अशोधित मिशेल फूको की प्रविधि के मूल में निम्नलिखित में से कौन सा विचार है? तो इसमें राइट आंसर होगा जीनोलॉजी ऑफ पावर ऑप्शन फर्स्ट, और आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ऑप्शन थर्ड। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, एक और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष को सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह की सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है? जिमेल, कोजर, डेहरेंडॉर्फ, इनमें से कोई नहीं। किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष को सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह की सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है? ऑप्शन इसमें सेकंड राइट आंसर है एएल कोजर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ चांसेस तथा लाइफ स्टाइल शब्द के जनक कौन थे? ड्यूमा, मैक्स वेबर, पैरेटो, शोरोकिन। लाइफ चांसेस तथा लाइफ स्टाइल शब्द के जनक कौन थे? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से किसका नाम संबंधित है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सिमेल, पार्सन्स। क्वेश्चन इजी है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी में तीव्र वृद्धि और सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वास में धीमी परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं? सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक विसरण, सांस्कृतिक नवप्रवर्तन, सांस्कृतिक आत्मसातकरण। राइट आंसर क्या होगा? तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है सांस्कृतिक विलंबना, और इसकी अवधारणा ऑकबर्न के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिंतकों में से उद्विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? हीगल, कार्ल मैनहेम, अगस्त कॉम्प्ट, कार्ल मार्क्स। उद्विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा अगस्त कॉम्प्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलाव को नापने के पैमाने को क्या कहते हैं? असमानता का परिणाम, समानता का परिणाम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। फैलाव को नापने के पैमाने औसत और मानक विचलन को क्या दिखाते हैं? असमानता का परिमाण, समानता का परिमाण। राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, असमानता का परिमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र के रूप में वर्गीकृत किया? मॉर्गन मेलनोवस की, ब्राउन दुर्खीम। धर्म और जादू को पवित्र और विज्ञान को अपवित्र किसने माना? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है मेलनोवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मानव समाज को गतिशील संतुलन के रूप में माना है? पार्सन्स, मर्टन, मैक्स वेबर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसने मानव समाज को गतिशील संतुलन के रूप में माना है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है टेलकॉट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने क्रिया को तार्किक और अतार्किक श्रेणियों में वर्गीकृत किया? मैक्स वेबर, पार्सन्स, पैरेटो, मीड। क्रिया को तार्किक और अतार्किक के रूप में, पैरेटो ने क्रिया को दो भागों में बांटा है। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्र के लेखन में अंतर्व्यक्ति निष्ठता की अवधारणा का उपयोग किया गया है? एडमंड हर्सल, पीटर बर्गर, हेरॉड गॉल्फिंकल, अल्फ्रेड सोच। किस समाजशास्त्र के लेखन में अंतर्व्यक्ति निष्ठता की अवधारणा का उपयोग किया गया? ऑप्शन फोर राइट आंसर है अल्फ्रेड सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया है? हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मैनहीम, मैक्स वेबर, ब्राउन। मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा मैक्स वेबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादृच्छिक प्रतिदर्श के तौर पर योग्य होने हेतु अनुसंधानकर्ता को विषय का पूर्व परीक्षण करना चाहिए, अनुसंधानकर्ता को मार्गदर्शी अध्ययन करना चाहिए, कम से कम 100 लोगों का चयन करना चाहिए, जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित किए जाने का समान अवसर मिलना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? यादृच्छिक प्रतिदर्श के तौर पर योग्य होने हेतु जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित होने का समान अवसर मिलना चाहिए। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पेजेंट सोसाइटीज नामक पुस्तक लिखी? टी सोनिन, श्यामाचरण दुबे, मॉरिस ओपलर, एरिक उल्फ। किसने पेजेंट सोसाइटीज नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है टी सोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, दोनों को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड,
अनुसूचित जात और जनजात, महिलाएं, इन सबको आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि हरित क्रांति व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठित क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की बात था? अशोक रुद्र, जे मोहन राव, योगेंद्र सिंह, आजकल लेविस। हरित क्रांति व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठित क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की तरह था, ये कथन है अशोक रुद्र का। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन ग्रामीण अध्ययनों के अनुसार वर्तमान में किसने कृषक खेतिहर आंदोलनों का नेतृत्व किया? श्रमिक वर्ग, भूमिहीन श्रमिक, गैर कृषि श्रमिक, पर्याप्त भूमि के स्वामी, ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमों से लाभ उठाने वाले मध्य स्तर जात समूह। 1 2 3 2 3 4 3 4 5 5 1 3 राइट आंसर क्या होगा? नवीन ग्रामीण अध्ययनों के अनुसार वर्तमान में किसने कृषक खेतिहर आंदोलनों के नेतृत्व किया था? तो इसमें राइट आंसर होगा पर्याप्त भूमि के स्वामी, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से लाभ उठाने वाले और मध्य स्तर जात समूह। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके जन्म के साथ हुआ? वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, कार्मिक प्रबंधन सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत, संरचनात्मक उपागम सिद्धांत। औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके जन्म के साथ संबंधित है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है मानव संबंध सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? इमाइल दुर्खीम, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इरविन गॉफमैन, कार्ल मार्क्स। किसने यह कहा है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया? इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज जो आधुनिकीकरण द्वारा लिए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप में निरूपित करता है उसे कहते हैं वैश्विक समाज, स्थानीय समाज, जन समाज, नागरिक समाज। आधुनिकीकरण के द्वारा, एक ऐसा समाज जो आधुनिकीकरण के द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप में देखता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है जन समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्या का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है उसे कहा जाता है साहचर्य, समुदाय, संस्था, संस्कृत। किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्या का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है संस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अपराध विज्ञान का सरोकार किसके उपाय खोजने से है? अपराध और औपचारिकता का
अपराध और उपचारिता को कम करना, अपराधियों के लिए सफलतापूर्वक उपचार, अपराध का पता लगाना, एक और दो दोनों। आधुनिक अपराध विज्ञान का सरोकार किसके उपाय खोजने से है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? दहेज मृत, यौन उत्पीड़न, अपहरण, पत्नी की पिटाई करना। कौन एक घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है, अपहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टन के अनुसार मादक द्रव्य के व्यसनियों के द्वारा किस पथ का अनुसरण किया जाता है? कर्मकांडवाद, निराशा, अस्वीकरणवाद, पश्चगमनवाद। मार्टन के अनुसार मादक द्रव्य व्यसनियों के द्वारा किस पथ का अनुसरण किया जाता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, पश्चगमनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्जातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है? संसाधनों का विषम वितरण, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, जनशिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण। कौन सा भारत में निर्जातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है? ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है, महिलाओं का सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विशेषकर राजस्थान में और देश के दूसरे भागों में भी सूचना के अधिकार के लिए गरीबों को संगठित किया? मृदुल मुखर्जी, अरुणा राय, पुपुल जयकर, कृष्ण भाटिया। किसने विशेषकर राजस्थान में और देश के दूसरे भागों में भी सूचना के अधिकार के लिए गरीबों को संगठित किया? ऑप्शन 2 राइट आंसर है, अरुणा राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में नियोजित कॉलोनी में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 33.08, 23.7, 55.0, 73.0। दिल्ली में नियोजित कॉलोनियों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन 2 राइट आंसर है, 23.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि अधिकतर शक्तिशाली अमेरिकी व्यापारिक उद्यमों में से कुछ वस्तुतः आदतन अपराधी थे? हरमन मैनहीम, सदरलैंड, जॉन मैक इलियट और मैरिल। किसने यह कहा है कि अधिकतर शक्तिशाली अमेरिकी व्यापारिक उद्यमों में से कुछ वस्तुतः आदतन अपराधी थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया? रंगराजन और राधास्वामी, मेहता और त्रिपाठी, सेठ और मेयर्स, ब्रेमैन और दास।
राइट आंसर इसमें सेठ और मेयर्स, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? मौखिक संप्रेषण, श्रम का विभाजन, लिखित नियम, अवैयक्तिक संबंध। कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, मौखिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में वे संबंध निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? व्यक्ति की अपने कार्य से विरक्त, एक कर्म कार की अभ्रांत, नेमी कार्य से मुक्ति, काम से लगाव। पूंजीवादी व्यवस्था में वे संबंध किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, एक कर्मकार की अभ्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसकी परिभाषा है कि समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगत पाई जाती है? मैकाइवर एवं पेस, किम्बाल यंग एवं ऑकबर्न, हेनरी जॉन, किंग्सले डेविस। समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगत पाई जाती है। ये परिभाषा है मैकाइवर एवं पेज की, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अनिवार्यतः समन्वय संघ की अवधारणा को प्रतिपादित किया? कोजर, डेहरेंडार, कॉलिंस, मार्क्स। अनिवार्यतः समन्वय संघ की अवधारणा डेहरन डार्फ ने दी है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है जिसे जाना जाता है लोकरीत, लोकाचार, मानदंड, संस्वीकृत। पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है जिसे किस रूप में जाना जाता है? लोकरीत को मोर्श कहते हैं, लोकाचार को फोक वेज कहते हैं, संस्वीकृत को संसंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, संसंग, संस्वीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण इसको भी कहा जाता है? पर संस्कृत ग्रहण, सांस्कृतिक प्रसार, संस्कृत ग्रहण, उपर्युक्त सभी। समाजीकरण इसको भी कहा जाता है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड, संस्कृत ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? बेबर, स्मिल्सर, पार्सन्स, मर्टन। सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ये पुस्तक लिखी है स्मिल्सर ने, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। तो आज की ये क्लास यहीं तक, आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई हो। क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और लोगों तक इस क्लास को। थैंक यू।